हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप टिकटॉक का यूज करते हैं, आप टिकटॉक का यूज करते ही होंगे अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो टिकटॉक का अगर यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। आप टिकटॉक देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जो डेटा है वो कब खत्म हो गया। तो इसी को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टिकटॉक पे जो डेटा सेवर का जो मोड है उसको ऑन कैसे कर सकते हैं, इनेबल कैसे कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका डेटा है वो काफी हद तक सेव हो जाएगा, डेटा आपको बहुत ज्यादा देर तक चलेगा। तो डेटा सेवर मोड आप कैसे ऑन कर सकते हैं इस वीडियो में आपको वही में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो पे लाइक, क्योंकि मैं आप प्लीज पर लाइक। तो चलिए करते हैं सो नेक्स्ट। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो टिकटॉक ऐप है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मैं यहाँ से टिकटॉक ऐप, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मी पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ से ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में थ्री डॉट देखेंगे, इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना और आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे जनरल में डेटा सेवर का, ये आप देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर देते हैं, उसके बाद जो डेटा सेवर मोड है वो आपके टिकटॉक में इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद आप टिकटॉक चलाओगे तो जो आपका डेटा है वो खर्च नहीं होगा, बहुत ही कम खर्च होगा दोस्तों, आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप प्लीज लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।